इन्फिनिक्स हॉट 10S, इन्फिनिक्स हॉट 11, इन्फिनिक्स हॉट 11S और माइक्रोमैक्स इन नॉट 1, इन चारों सेल के बीच काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन बना हुआ है और मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई इन चारों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अब इन चारों की कंपैरिजन में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली अगर आप 10,000 की रेंज में कोई अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, मतलब जिसमें ठीक ठाक कैमरा प्रोसेसर वगैरह अच्छा हो, बिल्ड क्वालिटी वगैरह, और 7 से 10,000 की रेंज में, तो ये चारों स्मार्टफोन परफेक्ट फिट बैठते हैं। लेकिन इसमें से जो दो स्मार्टफोन थे वो अभी ये जो सेल है इसकी वजह से 11-12 हज़ार की रेंज में है, लेकिन आपको 1,000-1,500 कम, मतलब 9,000 या 9,500 या 8,000 आसपास पड़ सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन चारों में से कौन सा लेना चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10S की। अब ये जो स्मार्टफोन है वो अच्छा है, इसमें 7 इंच की स्क्रीन है, मतलब कि एक टैबलेट जैसा फोन है, तो वो एक ध्यान में रखिए, हॉट 10S की 7 इंच की स्क्रीन है। लेकिन इसमें जो स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो सिर्फ HD स्क्रीन है, मतलब कि 720p रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, मतलब कि इतनी बड़ी स्क्रीन और रिजोल्यूशन थोड़ा वीक होने की वजह से स्क्रीन अच्छी है लेकिन आपको वो कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। और नो डाउट अगर थोड़े टाइम पहले होता तो बात अलग है, लेकिन अभी इस रेंज में और बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं। साथ में इसमें प्रोसेसर वगैरह अच्छा है, बैटरी वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्क्रीन और दूसरा के इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, तो मेरे हिसाब से इसको साइड पे करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है इन्फिनिक्स हॉट 11। अब जो इन्फिनिक्स का एक दूसरा हॉट 11 है ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। इसमें आपको फुल HD स्क्रीन मिलती है, अच्छी बैटरी मिलती है, सब कुछ अच्छा है, प्रोसेसर वगैरह भी है, लेकिन इसमें जो मीडियाटेक का हेलियो G70 लगा हुआ है, G70, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन इस रेंज में अभी आपको दूसरे और बेटर स्मार्टफोन मिल रहे हैं अच्छे प्रोसेसर के साथ, तो इसको हम साइड पे करेंगे। साथ में इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है और अभी इस रेंज में आपको अच्छी स्क्रीन मिल सकती है, तो मेरे हिसाब से हॉट 11 को भी साइड पे करते हैं। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S की और माइक्रोमैक्स नॉट 1 की। ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के हरीफ के जैसे हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट हर स्पेसिफिकेशन के मामले में सेम आते हैं, सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस 2 से 3 है जो मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोमैक्स नॉट 1 में आपको G85 का प्रोसेसर मिलता है जो कि गेमिंग है, लेकिन ठीक ठाक गेमिंग कर लेता है, क्योंकि ये प्रोसेसर है तो एडवर्टाइज के लिए गेमिंग का, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। जबकि हॉट 11S में आपको G88, मतलब कि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन मिलता है, तो यहाँ पे हॉट 11S में थोड़ा एक आपको बेनिफिट मिलेगा। कैमरा दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, माइक्रोमैक्स में 48 मेगापिक्सल है, इसमें 50 है, लेकिन दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों ही अच्छे हैं, उसमें कोई कंपैरिजन जैसा है नहीं। दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, माइक्रोमैक्स में अभी एंड्रॉयड 10 है, लेकिन माइक्रोमैक्स ने बोला है कि वो उसको 2 साल तक सपोर्ट मिलेगा, तो इसमें अपग्रेडेड आपको 100% मिलेगा। लेकिन जो इन्फिनिक्स है उसमें आपको उनका XOS करके जो उनका कस्टम रोम है वो आता है, जबकि माइक्रोमैक्स में ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड, मतलब प्योर एंड्रॉयड जैसा उन्होंने बनाया है। नो डाउट उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लीन एंड्रॉयड आपको मिल सकता है। तो अब कौन सा लेना चाहिए, देखिए दोनों में सेम है, लेकिन माइक्रोमैक्स में 1,000 रुपये आपको कम मिल रहा है, मतलब वो जो आपको 8,550 में मिलेगा। तो आपका अगर टाइट बजट है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना है, तो आप माइक्रोमैक्स में चले जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1,000-1,500 आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप हॉट 11S ले लीजिए। दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं, दोनों में से कोई ख़राब नहीं है, आप अपने प्राइस के हिसाब से आप ले सकते हैं, दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियोज में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।